नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाले देश के सबसे बड़े 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में न सिर्फ शिल्पकारों व कलाकारों को यहां अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है, बल्कि देश विदेश से आए पर्यटक भी इस मेले में आकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अरावली की पथरीली माटी में बसा सूरजकुंड अपने 34 सालों के सफर में मिनी भारत बन चुका है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में आने से लगता है कि हम एक ही परिसर में बनाए गए मिनी भारत में आ गए हैं। इसे देखकर भारत देश की एकता, अखंडता और हमारी विविध संस्कृति का एहसास होता है। मेले में देश विदेश से आए विभिन्न कलाकार अपनी विशिष्ट कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा से आए मनप्रीत सिंह ने बताया कि वह सूरजकुंड मेले में आकर काफ़ी उत्साहित है और वे वाटर रेसिस्टेंट जल पेंटिंग्स लेकर आए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। मनप्रीत सिंह कनाडा तो आए हैं जी, और बस सूरजकुंड वाले मेले वाले ने बुलाया थे, वी केम टू इंडिया विद हैंड पेंटिंग्स। वी ब्रॉट हैंड पेंटिंग्स मेड विद ऑयल पेंट्स, वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, यू कैन क्लीन दम एंड वेल इफ यू जस्ट टर्न अराउंड द कैमरा यू कैन सी ऑल द वैराइटीज दैट वी गॉट हियर। दिस इज वन एंड ओनली दैट आई हैव सीन एवर। हमारा कश्मीरी रूफ है, हमारा कल्चर है, मतलब हम यहाँ पे अपना कल्चर दिखाने आए हैं। कश्मीर का कल्चर कैसा है? बस वही। अच्छा, सभी बहुत अच्छे, सबका कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है।